हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साकिब और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अभी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th क्लास का टॉपिक है, जिसमें जिसका एप्लीकेशन आपको पूरे 12th क्लास में है। हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन आपको मिलेगा। कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं आइसोमेरिज्म है क्या। आइसोमेरिज्म अपीयरेंस ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चर और कंपाउंड हैविंग सेम कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दैट मींस एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसके एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर। ऐसे अकरेंस को आप क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H10। तो आप इसके कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये सोचते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि CH3, CH2, CH2, CH3 एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कार्बन को मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने हैं। हर जगह देखिए कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ, एक नेक्स्ट कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक पिछले कार्बन के साथ, एक अगले कार्बन के साथ। इसी तरह आप देखेंगे हर कार्बन में 4 बॉन्ड बना रहे। तो इसका काफी हद तक ये सही स्ट्रक्चर माना जा सकता है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH, CH3, CH3। यहां पर भी वही चीज आप देखेंगे, कार्बन है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 हाइड्रोजन एक अगले कार्बन से। उसी तरह से आप चेक करेंगे तो हर कार्बन अपनी टेट्रा वैलेंसी पूरी कर रहा है। अब काउंट करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। C4H10। उसी तरह से यहां पर काउंट करते हैं, कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4। C4। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 6, 9, 10। H। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का एग्जैक्टली सेम, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग आ, स्ट्रक्चर्स अलग अलग। इस अकरेंस को ही आप क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। मेरे हिसाब से आपको काफी हद तक आइसोमेरिज्म का आइडिया लग गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। दीज टू आर नोन एज आइसोमर्स, राइट। चलिए अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। आइसोमेरिज्म को बेसिकली आपने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इनका मतलब क्या है ये समझेंगे, अभी थोड़ा जानते हैं कि आइसोमेरिज्म बेसिकली कितने अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और टोटल कितने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़े। तो बात आती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर सब डिवाइडेड है और डिफरेंट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। इसके आगे हमें पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामर्स एंड सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम हर एक टॉपिक को स्पेसिफिकली देखेंगे, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, और इसी तरह से बारी बारी हम सारे टॉपिक्स कवर करें। वही आगे बढ़ो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या क्या पढ़ना है आपको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह के, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आपको फर्दर और भी चीजें पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, एक चार्ट दिख रहा है, ये आपके इस पूरे चैप्टर एक समरी, आपको यही सारी चीजें डिटेल में पढ़ना। अभी हमने जान लिया आइसोमेरिज्म क्या होता है, फिर हम समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अंतर क्या है। अंतर समझने के बाद हम बारी बारी से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिटेल से पढ़ेंगे, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिटेल से। तो दिस इज योर बेसिकली होल टॉपिक। सो वी आर स्टार्टिंग। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अंतर क्या है। सबसे पहले जो हमने आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा, वो किसमें बांटा था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो समझते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। एफ कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन
स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट. देन दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. मतलब समझेंगे कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए. कनेक्टिविटी ऑफ एटम अगर डिफरेंट है तो उसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं. ठीक एग्जांपल आपको दे रखा है यहां पर C2H6O. This is your molecular formula. ये आपका molecular formula है. अब ये कितने तरह से represent किया जा सकता है इस बारे में समझते हैं. तो सबसे पहले इसमें सिंपल सा आप लगा दें CH3O. इसको और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो CH3 CH2 OH. आप किसी भी एटम की कनेक्टिविटी के बारे में बात कर सकते हैं. बेसिकली आपको हर एक एटम की कनेक्टिविटी देखनी है. हम यहां पे प्रिसाइसली ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं. अगर इस ऑक्सीजन को देखें तो इस तरफ ये कार्बन से अटैच है, इस तरफ ये कार्बन से अटैच है. यहां पर देखेंगे ऑक्सीजन को तो एक तरफ ये हाइड्रोजन से अटैच है, एक तरफ ये कार्बन से अटैच है. तो आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी में डिफरेंस है. अलग अलग एटम्स या अलग अलग ग्रुप से अटैच है, राइट? तो यहां पर हम देख सकते हैं कनेक्टिविटी ऑफ atoms is different. और जब connectivity atom की different हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? Structural isomers. So these two are structural isomers. आइडिया लग गया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या अंतर होगा? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स का डिफरेंस. एटम अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़े हुए हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो कार्बन और कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखा जाए हाइड्रोजन और कार्बन. अब समझते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या. This was your structural isomer. This was your structural isomer. एक बार नोट करेंगे. स्टीरियोआइसोमर्स का पहला कंडीशन है कि भाई कनेक्टिविटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर कनेक्टिविटी में डिफरेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रक्चरल आइसोमर. तो सबसे पहले इफ कनेक्टिविटी of all atoms are same in the two
गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट देन they are called stereoisomers. तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे connectivity of atom क्या है, same होनी चाहिए. connectivity different नहीं हो सकती. connectivity अगर different होगी तो structural isomer हो जाए. connectivity has to be कनेक्टिविटी सेम है. उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है क्या नहीं. दे मस्ट डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट. अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोइसोमर्स. एग्जांपल से आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8. सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं. मैं स्पेसिफिकली 2-butene बना CH3 CH CH CH. करेक्ट. अब इस चीज को बेसिकली ये क्या है, sp2 कार्बन है. ये क्या है, sp2 कार्बन. sp2 कार्बन का शेप क्या होता है, एंगुलर प्लेन. करेक्ट. दैट मींस इसके हम दो स्ट्रक्चर बना सकते. कौन कौन से, CH3 CH CH3 H. दोनों H एक साइड हो गए डबल बॉन्ड के, दोनों CH3 एक साइड हो गए डबल. के अलावा हम क्या बना सकते हैं, CH3 CH. दोनों H C double bond C के opposite side है, दोनों CH3 C double bond C के opposite side. तो यहां पर आप क्या देख, क्या चीज का डिफरेंस, स्पेशल अरेंजमेंट का डिफरेंस. कैसे, ये नोट कर लेंगे. जैसे आपको मैंने बताया ये sp2 है, ये sp2 है, ये क्या होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर. तो बेसिकली ये सब कुछ एक प्लेन पे लाइक है. कार्बन कार्बन CH3 CH3 H H ये पाई. दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर. ये प्लेनर है, ये sp2 दिख रहा है, ये sp2 दिख रहा है. कोई देख रहा है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए इसको a नाम दे देते हैं. ये a हो गया, इसको b नाम दे देते हैं. ये B हो गया. यहां पर भी देखें तो CH3 और दूसरा CH3 ऑपोजिट साइड है C डबल बॉन्ड C के. करेक्ट. अब स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस कैसे है, ये चीज समझो, बहुत ध्यान से देखें.
मान लीजिए एक प्लेन ऑफ पेपर है, एक पेपर है, तो पेपर के बेसिकली लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, राइट। तो कंपेयर करें इस सीएसपी से, इस सीएसपी की दूरी, इसको हम मान लेते हैं L1, ध्यान दें, इस सीएसपी से इस सीएसपी की दूरी, दोनों कार्बन के ग्रुप को कंपेयर करें, दोनों कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड है उसके ग्रुप्स को कंपेयर करना है। सेम ग्रुप को हम इस स्ट्रक्चर में भी कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक इसको हम बोलते हैं L2। अब ध्यान दीजिए, ये आपका एक प्लेन ऑफ पेपर है, तो इस सीएसटी से इस सीएसटी को आप क्या बोल सकते हैं, लेंथ, राइट। तो L1 लेंथ ऑफ पेपर, यहां से इस सीएसटी और इस सीएसटी को देखेंगे, ये दोनों क्या दिखा रहे हैं, डायगोनली अपोजिट है। तो L2 क्या हो गया, डायगोनल ऑफ पेपर। तो क्या लेंथ और डायगोनल कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो हमने 8-9-10 में पढ़ रखा है। तो हम यहां पे समझ सकते हैं कि L1 और L2 कभी भी बराबर नहीं होगा। जब L1 और L2 बराबर हो ही नहीं सकता है, जब होगा ही नहीं, that means special arrangement of group में difference है। ये CST और ये CST पास पास है, ये CST और ये CST दूर दूर है, तो difference हो गया ना, क्या चीज में difference आएगा, these two structure differ in special arrangement. तो इनको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। यहां पे बहुत ध्यान रखिएगा, ये दोनों का कनेक्टिविटी 100% सेम है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर हमने सेम स्ट्रक्चर से निकाला था। कौन से स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से बेसिकली हमने दो चीजें बनाई बेस्ड ऑन देयर हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। क्लियर, डायल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में समझने के पहले हमें एक चीज ध्यान होना चाहिए, हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे से आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें अच्छे से आता है तभी हम इस चीज को डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, आप एक बार नॉमेनक्लेचर का रिविजन करें। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला आइसोमर क्या था, चेन आइसोमर्स। क्या होते हैं, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर चेन आइसोमर्स इन विच लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, जिसको हम लोग मेन चेन भी बोलते हैं, और सेकेंडरी चेन, जिसको हम
साइड चेन भी बोलते हैं, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स चेन आइसोमर कहलाएंगे जिसमें लेंथ ऑफ पेरेंट चेन या लेंथ ऑफ सेकेंडरी चेन साइड चेन डिफरेंट होगा। कैसे? एग्जांपल आपके पास अगेन फॉर्मूला है C4H10, अभी हमने इसकी कहानी देखी थोड़ी देर पहले, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें पेरेंट चेन क्या हो गया, मेन चेन क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इंक्लूडिंग ऑल मल्टीपल, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, तो ये चीज आपकी क्या हो गई, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है काउंट करेंगे, 4 कार्बन है पेरेंट। दूसरा स्ट्रक्चर हमने क्या बनाया था, CH3 CH CH3 CH3, राइट। ये क्या हो गया, इसमें पेरेंट चेन देखेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये हो गया और ये आपका साइड चेन, दिस इज योर साइड चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है काउंट करेंगे, 3 कार्बन है पेरेंट चेन। तो अब देखें चेन आइसोमर्स कैसे आइसोमर्स होते हैं, वैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनमें लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, यहां पर देखिए पेरेंट चेन में 4 और 3 इज डिफरेंट, लेंथ में डिफरेंस पेरेंट चेन के या साइड चेन, यहां पर देखिए पेरेंट चेन के लेंथ में डिफरेंस आ रहा है, एक 4 कार्बन का है एक 3 कार्बन का पेरेंट चेन, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, चेन आइसोमर्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ले सकते हैं, बहुत ध्यान से समझें, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हर वर्टेक्स पे, हर जो वर्टेक्स है या हर जो एंड है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन आयन, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड, और जहां कहीं भी वैलेंसी कंप्लीट करनी है वहां पर हम अपने आप से मान लेते हैं हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो बाकी दो क्या होंगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन में 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो बाकी दो क्या होंगे, हाइड्रोजन, करेक्ट। तो इस फिगर का मतलब क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे 6 मेंबर रिंग है पेरेंट चेन ये होगा, 6 मेंबर रिंग है पेरेंट चेन ये होगा, दिस विल बी योर साइड चेन, दिस विल बी योर साइड। अब देखें लेंथ ऑफ साइड चेन कितने का है, 3 कार्बन का है। लेंथ ऑफ साइड चेन देखने तो लेंथ तो आप इससे डिफाइन करेंगे, ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। तो अब क्या देखा है, लेंथ ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट, जब लेंथ ऑफ साइड चेन इज डिफरेंट तो इन दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। करेक्ट, नोट करें।
तो ये था हमारा चेन आइटम। नेक्स्ट हमारा आता है पोजीशन आइटम। पोजीशन आइसोमर के लिए हमें ये चीज देखना जरूरी है कि गिवन स्ट्रक्चर चेन आइसोमर नहीं है। दैट मींस लेंथ ऑफ पेरेंट चेन और लेंथ ऑफ साइड चेन दोनों 100% बराबर हो, करेक्ट। तो लिखते हैं एफ लेंथ ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन आर इक्वल। ये कहने का मतलब है लेंथ ऑफ पेरेंट चेन साइड चेन इक्वल है, ये कहने का मतलब है कि आपका ये चेन आइसोमर है। तो फिर आप क्या चेक करेंगे, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ साइड चेन या अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है। देन द आइसोमर्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये स्ट्रक्चर ले लेते हैं और दूसरा स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है, कंपेयर करेंगे। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन ये हो गया, कितने कार्बन है, 2, 3, 4, 5 कार्बन। यहां पर देखेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। साइड चेन चेक करेंगे, एक कार्बन का साइड चेन चेक करेंगे, एक कार्बन। दैट मींस लेंथ ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन आर इक्वल। ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है। जब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो चुकी है तब हम चेक करेंगे पोजीशन, साइड चेन के पोजीशन में डिफरेंस। तो यार साइड चेन देखेंगे सेकंड पोजीशन। आई होप आपने प्रॉब्लम फिगर को एक बार पढ़ लेंगे, आपको इस नंबरिंग का पता चल जाएगा। लेफ्ट साइड से जहां पे साइड चेन सबसे पहले आ रहा है, नंबरिंग हमेशा उधर से देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सेकंड पोजीशन पे साइड चेन आ रहा है। तो साइड चेन ऑन सेकंड पोजीशन यहां देखेंगे 1, 2, 3। थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं, आप इधर से बढ़े या इधर से बढ़े, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं, साइड चेन ऑन थर्ड पोजीशन। यहां पे साइड चेन सेकंड पोजीशन पे है, यहां पे साइड चेन थर्ड पोजीशन। तो इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, पोजीशन आइटम। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन। अब काम करते हैं इन दोनों का नाम लिखते हैं, नॉमिनेचर करें। तो इसका नॉमिनेचर क्या लिखेंगे आप, इसका नॉमिनेचर लिखेंगे आप 2-methyl pentane, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा इसका नॉमिनेचर क्या लिखेंगे,
drink methyl pentane. दोनों के नाम में देखिए कहां डिफरेंस आ रहा है, कहां पे डिफरेंस आ रहा है, पोजीशन ऑफ साइड चेन, पोजीशन ऑफ साइड चेन, एक में सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, एक में थर्ड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन है, क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम आते हैं रिंग चेन आइटम, रिंग चेन आइसोमर्स आर जनरली टेकन एज सबसेट ऑफ चेन आइसोमर्स। कहने का मतलब है कि अगर आपके चार ऑप्शंस में एक भी ऑप्शन रिंग चेन आइसोमर नहीं है और आपको लग रहा है कि ये रिंग चेन आइसोमर होना चाहिए, बट ऑप्शन में आपके चेन आइसोमर, तो आपको क्या मार्क करना है? क्लियर? अगर स्पेसिफिकली मेंशन है रिंग चेन आइसोमर से ऑप्शन, तो आपको मार्क करना है रिंग चेन। क्लियर? तो ये चीज हम कब डिफरेंशिएट करते हैं? दीज आर डिफाइंड when one structure has ring and the other doesn't, मतलब एक structure में ring बनेगा दूसरे structure में नहीं बनेगा। For example, C3 बना सकते हैं, कौन कौन से? तीन कार्बन, तीन चार पांच छह हो गया। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ये बताया था आपको, ये वर्टेक्स है, दो हाइड्रोजन हेड है, ये वर्टेक्स है कार्बन, दो हाइड्रोजन हिडन, ये वर्टेक्स है कार्बन, दो हाइड्रोजन हिडन, टोटल कार्बन कितने, टोटल हाइड्रोजन कितने, C3H6। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर। करेक्ट? यहां पे नोट में करके लिखेंगे, length ring is different, then also isomers are the ring chain isomers. अगर रिंग के लेंथ में डिफरेंस है तब भी हम बोल सकते हैं दो आइसोमर क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर। फॉर एग्जांपल ये नोट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, तो दो चार छह आठ दस,
यहाँ पे एक बॉन्ड बन रखा है, दूसरा हाइड्रोजन होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16 CaH16। एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ये यहां पर अगर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CaH हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 4, 6, 8 इधर एक 9, इधर एक 10, 3, 13, 3, 16 H16। तो फॉर्मूला तो सेम, फॉर्मूला सेम है, आप डिफरेंस कहाँ देखें, लेंथ ऑफ रिंग में डिफरेंस है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग। तो समझे, अगर लेंथ ऑफ रिंग में डिफरेंस है, जैसे यहां पर आ रहा है एक 6 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, तो लेंथ ऑफ रिंग अगर डिफरेंट है तब भी इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, रिंग चेन है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। क्लियर? ठीक, नोट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन है कि इन सारे स्ट्रक्चर में सबका एक दूसरे से रिलेशन होता है, दैट मींस 1 और 2 कैसे रिलेटेड है, 1 और 3 कैसे रिलेटेड है, 1 और 4 कैसे रिलेटेड है, एंड सो तो आप टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हर एक चीज डिटेल में मेंशन कर ले। ये आपका इसका पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है किसी। यहां पर देखेंगे ये आपका पेरेंट चेन हो गया, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है किसी। साइड चेन में कितने कार्बन, 1 कार्बन है साइड चेन। यहां पर देखेंगे 4 कार्बन है पीसी एंड 1 कार्बन ईच इन एससी साइड चेन। उसके अलावा हम देखेंगे यहां पर 4 कार्बन इन पेरेंट चेन एंड 1 कार्बन ईच इन पेरेंट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना था, पेरेंट चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स कौन कौन से हुए, कंपेयर करिए, लेंथ कितना है 6 कार्बन का, लेंथ कितना है 5 कार्बन का, डिफरेंस आया क्या हो गया, चेन आइसोमर्स। तो 1 और 2 क्या हुए, चेन आइसोमर्स। 1 का 3 से देखते हैं तो 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, चेन आइसोमर्स। 1 और 4 का कंपेयर करते हैं, सेम लॉजिक, 6 कार्बन 4 कार्बन दोनों एक दूसरे के क्या हुए, चेन आइसोमर्स। अब देखते हैं सेकेंड का रिलेशन, तो सेकेंड में ये 5 कार्बन का चेन है, ये 4 कार्बन का चेन, डिफरेंस आ गया लेंथ ऑफ पेरेंट चेन में, तो ये दोनों भी क्या हो गए, चेन आइसोमर्स। ये दोनों भी सेम लॉजिक से क्या हो गए, चेन आइसोमर्स, करेक्ट। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं, तो लेंथ ऑफ पेरेंट चेन भाई 4 कार्बन और 4 कार्बन बराबर, साइड चेन में देखेंगे तो 1 कार्बन ईच तो दोनों का साइड चेन भी बराबर है, दोनों का पेरेंट चेन भी बराबर है, दैट मींस ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते। जब ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं तो हम चेक करेंगे क्या,
कोलिशन आइसोमर्स के लिए। तो आप देखें ध्यान से, यहाँ पर साइड चेन, दोनों साइड चेन सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ, यहाँ पे एक साइड चेन सेकंड पे जुड़ा हुआ है, एक साइड चेन थर्ड पे जुड़ा हुआ है। इधर से पढ़े, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक सेकंड पे जुड़ा हुआ है, थर्ड पे जुड़ा हुआ है। इधर से पढ़े, फर्स्ट सेकंड, दोनों साइड चेन सेकंड पे ही जुड़े। डिफरेंस कहां पे आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है पोजिशन ऑफ साइड चेन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पोजिशन That means 3 and 4 are position isomers. I hope काफी हद तक क्लियर होगा आपको, इसी लॉजिक को यूज करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं अभी बच्चों। जो क्वेश्चन अभी हमने किया था ये एग्जैक्टली उसी तरह से करना है। आपको बताना है फर्स्ट में और सेकंड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट का रिलेशन बाकी सबसे, सेकंड का रिलेशन बाकी सबसे, थर्ड का रिलेशन बाकी सबसे। आपके पास ऑप्शंस अभी के लिए तीन ही, कौन कौन से? चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर्स हो सकते हैं, या रिंग चेन आइसोमर्स। इसके अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन आपको नहीं मिलता, तो आप आराम से दिमाग लगाएं, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे